अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस लड़की को देखो। मेरे साथ मेरा हस्बैंड ही मतलब कि धंधा करवाता था। कब आप शादी किए थे? ऐसे 1.5 साल, 1.5 साल हो गया शादी का, 1.5 साल प्लस। सुनने में आया कि आप दूसरे धर्म से, आप हस्बैंड दूसरे धर्म के थे? जी हाँ, हम मुसलमान थे। अच्छा, अब हम ये शादी तो लव मैरिज की होंगे? जी हाँ। कैसे जान पहचान हुआ था? हम मतलब ब्यूटी पार्लर गए हुए थे, वो मतलब कि वहीं पे थे, तो वहाँ से मतलब जान पहचान होने लगे। धीरे धीरे जान पहचान होते होते मतलब प्यार में बदल गया। अच्छा। और प्यार कब शादी में बदल गया? फिर आप शादी करके अलग रहने लगे? नहीं, शादी करके अलग नहीं रहने लगे, वो अपना घर लेके गए। घर पूर्णिया जिला। आप उनके घर पे कितने दिन रहे? 1.5 महीना। 1.5 महीना जी। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हमको लेके वो अररिया गए। अच्छा। वो वहाँ पे लेकर के ललिता नाम की औरत है, उसके यहाँ मतलब कि हमको मतलब कि धंधा करवाने लगे। इसने अपनी मोहब्बत और प्यार के लिए अपने घर वालों को और मजहब इस्लाम को छोड़ा, और छोड़ने का नतीजा आपने देख ही लिया है कि इसके साथ क्या हुआ। ये लड़की मुस्लिम थी और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, और वहाँ पर एक लड़का आता था। फिर इन दोनों की दोस्ती हुई, फिर आपस में शादी हो गई। इसने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया और मजहब हनूद में दाखिल हो गई, और शादी के कुछ महीनों के बाद वो लड़का अपने घर से दूसरी जगह ले जाकर एक औरत को सौंप देता है और इसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है। मेरे इस्लाम की शहजादियों, ये भगवा लव ट्रिप जो है, ये मुस्लिम लड़कियों के लिए ही बनाया गया कि इनको अपने जाल में फंसाओ और इनसे शादी का मकर फरेब करके इनके साथ जिस्म फरोशी का मामला करो, इनकी जिंदगियां बर्बाद करो। ना जाने आज तक कितनी मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। शादी करते, शादी के बाद एक दो बच्चे होते छोड़ देते, या शादी करने के बाद में बच्चे होने से पहले ही छोड़ देते। मैंने कई वाकयात खुद सुने हैं और देखे भी हैं कि कुछ लड़कियां इस्लाम से मुर्तद होने के बाद में, शादी करने के बाद में उनके हस्बैंड उनको छोड़ देते हैं। फिर वो दर दर की ठोकरें खाती हैं, ना घर की रहती हैं ना घाट की रहती हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आप लोग अपने ईमान को मजबूती के साथ पकड़े रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। हमें इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। ये लोग चाहते ही हैं कि इनकी जिंदगियां बर्बाद हों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस तरीके से लाखों मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, और इन लोगों का पूरा मिशन है कि मुस्लिम लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद करना। अल्लाह तमाम मुसलमान लड़कियों की हिफाजत फरमाए।